हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता है KPX एडिटर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। सो गाइस, तो आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो को एडिट करने वाले हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे फेस स्मूथ, हेयर एडिट एंड सी बी जैसा लुक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, तो आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लीजिए और स्नैपसीड एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले हम इस प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके अपने गैलरी में जाएंगे, यानी कि आप अपने गैलरी में जाएंगे। तो यहाँ पर जाने के बाद आप अपना मॉडल का फोटो सिलेक्ट कर लीजिएगा और वहाँ पे देखिए टून इमेज का ऑप्शन दिया है। उस पर जाने के बाद एम्बिशन पर चलेंगे और एम्बिशन को हाई कर देंगे। इस कुछ इस टाइप से आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग करिएगा और हाईलाइट को कुछ इस टाइप से रख लेना है और शेडो को हल्का सा बढ़ाना है अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग और ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। कुछ इस टाइप से आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। अब देन इतना करने के बाद कंट्रास्ट को हल्का सा 47 या उसके आसपास बस रखना है, ज़्यादा कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। और देन इतना करने के बाद आप लोगों को राइट कर लेना है और राइट करने के बाद फिर से एक बार टूल्स पे चलेंगे और डिटेल पे चलेंगे। डिटेल पे जाने के बाद स्ट्रक्चर को हल्का सा इंक्रीज करेंगे और शार्पनेस को हल्का सा बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इतना करने के बाद आप लोगों को राइट करना है। अब राइट करने के बाद देख सकते हैं कुछ इस टाइप का आप लोगों का फोटो देखने के लिए मिल सकता है, कितना ज़्यादा ऑसम लग रहा है। और इस फोटो को हम शेयर करेंगे स्केचबुक एप्लीकेशन के अंदर। तो हम अपने मॉडल का फोटो स्केचबुक एप्लीकेशन में ओपन कर लिए हैं। तो सबसे पहले हम इस ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और ब्रश वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले हमारा काम है एक इरेज ब्रश टूल्स लेना, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलेंगे ट्रेडिशनल या सिंथेटिक में चलेंगे, नहीं चलते हैं ट्रेडिशनल में। ये वाला ब्रश को यूज करना है और इसका सेटिंग हम आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। आप लोगों को ये जो ब्रश टाइप्स है इसका सेटिंग हमेशा आप लोगों को इरेज में रखना है, ठीक है। और इरेज में रखना है और इसका सेटिंग आप लोगों को फ्लो, ठीक है, फ्लो को 100% और साइज को अपने अकॉर्डिंग, अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग जहां मांगेगा उसका साइज कम बेसी करके आप लोगों को इरेज करना है। और फ़ोटो को जूम कर लीजिएगा कुछ इस टाइप से जूम करिए, बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से करेंगे तो फोटो जो आपका एडिट होगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी में एडिट होगा और बैकग्राउंड इरेज भी बहुत ही खास तरीके से आप इरेज कर सकते हैं, बिल्कुल एकदम शार्प, ठीक है। जितना टाइम देंगे उतना बढ़िया एडिट होगा। तो जब तक इरेज हो रहा है तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तब तक यार लाइक कर दो, ठीक है, लाइक कर दीजिए, इतना तो कर ही सकते हैं आप लाइक, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अब इरेज होने के बाद आपका फोटो कुछ इस टाइप में देखने के लिए आप लोगों को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लेयर पर क्लिक करिएगा और बैकग्राउंड जहां लिखा वहां देखिए आई बटन दिया, उसको क्लिक करने का एकदम ट्रांसपेरेंट ऑप्शन में आप लोगों को देखने के लिए मिल सकते हैं आप लोग का फोटो। तो ट्रांसपेरेंट वाले ऑप्शन पर चलिएगा वहां पे, ठीक है। और इमेज इंपोर्ट का ऑप्शन दिया है, हमने एक पहले से ही वीडियो क्रिएट करके फोटो का बैकग्राउंड क्रिएट करके रखा है अपने गैलरी में, तो वहां से जाकर हम उसे इंपोर्ट कर लेते हैं मॉडल के ऊपर। यदि आप लोगों को ये बैकग्राउंड चाहिए तो कमेंट करिए, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक आप लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो इस लेयर को आप लोगों को मॉडल के नीचे लाना है, ठीक है, नीचे लाकर छोड़ देना है और ट्रांसपेरेंट पर चलना है और फोटो को जूम इन जूम आउट करिएगा मॉडल के ऊपर रख के अपने दोनों उंगलियों को, ठीक है। तो थोड़ा सा इसे नीचे इस प्रकार कुछ रख लेना है और रखने के बाद आप लोगों को वहाँ से राइट कर लेना है कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देन इतना करने के बाद आप लोगों को चलना है फिर से एक लेयर वाले ऑप्शन पर, वहाँ प्लस वाला आइकन दिया है उसको हम ले लेंगे। लेने के बाद ब्रश सिलेक्शन पर चलेंगे और ट्रेडिशनल का ये वाला ब्रश हम ले ले रहे हैं। और लेने के बाद इसका कलर पे चलते हैं, कलर को हम वाइट रखते हैं और इसके साइज को हल्का सा इंक्रीज करके आप लोग कुछ इस टाइप से रख लेना है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट पे जाके आप दोनों उंगलियों को प्रेस करके जूम करिएगा, मतलब जूम इन करके आप लोग कुछ इस टाइप से एडजस्ट कर लेना है बिल्कुल आराम से मॉडल के फेस पे, ठीक है। देन इतना करने के बाद आप लोगों को राइट कर देना है ऊपर से, ठीक है। अब राइट करने के बाद और लेयर पर क्लिक करिएगा और लेयर पर क्लिक करने के बाद जो ऊपर वाला लेयर है ये वाइट वाला मॉडल के नीचे लाकर हम छोड़ देंगे, ठीक है। और इसकी अपासिटी को हल्का सा
कम कर दे रहे हैं, कुछ इस टाइप से आप लोगों को रख लेना बिल्कुल, ठीक है। ज़्यादा कम नहीं करना है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये जो वाइट वाला जो है बैकग्राउंड के साथ हम मर्ज कर ले रहे हैं, ठीक है। और मॉडल पर क्लिक करेंगे, और मॉडल पर क्लिक करके एक बार फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, और एक एम्प्टी लेयर और ले रहे हैं। और लेने के बाद आप लोगों को ये वाला कलर लेना है, 1434, ठीक है। फ़ोन नंबर पर ये वाला कलर आप लोगों को लेकर अपन, और इसका लेयर का जो ब्लेंडिंग मोड है उसको हम सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं। और फोटो को जूम करिएगा, और जूम करके आप अपने फेस पे कुछ इस टाइप से आप लोगों को अप्लाई करना है। बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, जितना आराम से करेंगे आप लोगों का फ़ोटो उतना ही अच्छा लगेगा, ठीक है गाइस। तो खासकर सीबी फोटो एडिट में ये वाला जो कलर है बहुत ही पॉपुलर है, हर एडिटर, हर बड़े से बड़े एडिटर यही कलर चूज करते हैं अपने फेस पर अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये कलर काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। तो जब तक ये हम कलर फिल कर रहे हैं अपने पूरे बॉडी पर, फेस पे, ठीक, तब तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। हम आप लोगों को इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे, पूरी, ठीक है। देख सकते हैं कुछ इतना करने के बाद आप लोगों का फ़ोटो कुछ इस टाइप से लगेगा देखने के लिए। तो लेयर पर क्लिक करके इसकी अपासिटी को बड़ा कम बेसी बढ़ा कर देख सकते हैं, कुछ इस टाइप से आप लोगों को हल्का सा कम करना है। और हल्का सा कम करके और मॉडल के साथ हम इसे मर्ज कर ले रहे हैं। अब मर्ज करने के बाद हम चलेंगे फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर, और इस मॉडल को हम मर्ज कर रहे हैं बैकग्राउंड के साथ। और बैकग्राउंड के साथ मर्ज करने के बाद इसका हम डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेते हैं। अब डुप्लीकेट लेयर तैयार करने के बाद ब्रश वाले आइकन पर चलते हैं, और ब्रश वाले आइकन पर जाने के बाद हम, अब बारी आती है फेस स्मूथ की, ठीक है। बैकग्राउंड हमारा हो गया, अब हम चलते हैं ये वाला ब्रश लेके फेस को स्मूथ करते हैं। इसका सेटिंग आप लोगों को दिखा दे रहे हैं, तो सब फ्लो को 4% और स्ट्रेंथ को 7% रखिएगा, ठीक है। और फोटो को जूम करिए, दोनों उंगली को प्रेस करके अपने, और कुछ इस टाइप से आप लोगों को इरेज करना है। इरेज यानी स्मूथ करना है। स्मूथ कैसे करेंगे, आप लोगों को स्मूथ करते समय आप लोगों को राउंड राउंड यानी चारों तरफ, ठीक है, चारों तरफ आप लोगों की उंगली गोल गोल घूमनी चाहिए, तभी आप लोगों का फेस जो है बिल्कुल हार्ड तरीके से स्मूथ होगा, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं जिस टाइप से हम स्मूथ कर रहे हैं, बिल्कुल इसी टाइप में आप लोग भी स्मूथ कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को स्मूथ करने से पहले इसका सेटिंग, ब्रश की साइज देख लेना है। यदि आप लोग नहीं देखें तो वीडियो को स्किप कर यानी पीछे करें, ठीक है, और स्क्रीन शॉट लें और उसे रख लें, जब आप अपना फ़ोटो एडिट करें तो उसे देख लें, ठीक है। बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। हम आप लोगों को बिल्कुल पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में, कोई इसकी वीडियो नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो स्मूथ होने के बाद आप लोगों का फ़ोटो कुछ इस टाइप में देखने के लिए मिल सकता है। देख सकते हैं कितना हार्ड तरीके से हमारा फोटो एडिट हुआ। तो फिर से लेयर वाले ऑप्शन पर चल के एक एम्प्टी लेयर ले लेंगे, और एम्प्टी लेयर को सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट करते रहे हैं, ठीक है। और ये वाला ब्रश ले रहे हैं, ठीक है, ये वाला ब्रश लेंगे इसलिए ताकि हम ये जो लिपस्टिक का कलर है इसको हम चेंज कर सकें, और इस ये जो कलर है कलर को हम रेड रखेंगे, और फोटो को जूम करेंगे, और ये जो नीचे वाला लिप से इसको हम 4-5-6 बार लिप यानी ड्रॉ करेंगे, तो तब जाके ये कलर निखर के आएगा, क्योंकि हम ब्रश ही ऐसा लिए हैं, ठीक है। और ऊपर वाला जो लेयर है यानी ऊपर वाला जो लिप्स का कलर है उसको हम हल्का सा इरेज करेंगे, बाकी छोड़ देंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और लेयर पर क्लिक करके इसकी अपासिटी को हल्का सा कम करेंगे, ज़्यादा नहीं, ठीक है, कुछ इस टाइप से आप लोगों को कम करना है। देख सकते हैं कितना धांसू लग रहा है हमारा फ़ोटो, कितना अच्छा लग रहा है, कितना औसम लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है, देख सकते हैं आप लोग। अब देन इतना करने के बाद आप लोगों को अब लेयर पर क्लिक करना है, और इसको डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेंगे या छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं, हमारा फेस स्मूथ हो गया और बैकग्राउंड चेंज हो गया, अब बारी आती है हेयर एडिट की। तो ये वाला ब्रश लेंगे, और इसका साइज देख सकते हैं आप लोग, ठीक है, स्क्रीन शॉट लेकर रख लीजिए, और फोटो को जूम करिए,
कुछ इस टाइप से आप लोगों को जूम करना है और हेयर का स्ट्रक्चर यानी जिस फ्लो में है, जिस दिशा में है, ठीक, उसी दिशा में आप लोगों को कुछ इस टाइप से फ्लो करना है, ब्रश को फ्लो करवाना है। आप अपने फिंगर से करेंगे, कुछ इस टाइप से आप लोगों को इरेज करना है। बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। आप लोग आए हैं इस वीडियो में तो आप लोगों को कुछ न कुछ जरूर सीखने के लिए मिल सकता है, यदि आप नए हो या पुराने हो। यदि आप नए हो तो आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा है, यदि आप पुराना ही क्यों ना हो फोटो एडिटिंग में, तो ये वीडियो यदि आप देख रहे हो, ठीक, ये वीडियो यदि आप देख रहे हो तो आप लोगों को ज़रूर कुछ न कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। यदि कुछ सीखने के लिए मिला तो प्लीज़ एक कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है, ताकि आपका भाई अगला वीडियो जल्द ही लाए। इस समय हमें वीडियो बनाने में थोड़ा समझ यार लेट हो जा रहा है, मोटिव नहीं हो पा रहे हैं। चैनल तो मोनेटाइज है पर व्यूज इतना अच्छा खासा जाता नहीं है, कुछ मज़ा नहीं आता है यार। 20 मिनट का 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, चलो कोई देखने वाला ही नहीं होता है, तो इसीलिए यार मोटिव नहीं हो पाते, ठीक है। दिन इतना करने के बाद आप लोगों का फोटो कुछ हेयर यानी हेयर इस टाइप से देखने के लिए मिलेगा, और एक इम्पिटी लेयर तैयार करेंगे हम फिर से, और हम चलेंगे अब डिजाइनिंग, ठीक है। डिजाइनर के नाम से ये वाला ब्रश है, ठीक है, ये आप लोगों को ले लेना है इसका, इसको लेकर और इसके कलर को, इसके कलर को हम ब्लैक रखेंगे। और जैसे जैसे हमने पहले इरेज यानी फ्लो किया है ब्रश को, वैसे वैसे इस ब्लैक वाले यानी डिजाइनर ब्रश को वैसे वैसे हम फ्लो करवाएंगे। जैसे जैसे स्ट्रक्चर है हमारे हेयर का, वैसे वैसे हम इस ब्रश को घुमा फिरा के करेंगे। कुछ इस टाइप से आप लोगों को करना है, ठीक है। थोड़ा सा गैप दे के करिएगा ताकि लगे हाँ, ठीक है, हेयर की तरह। कुछ इस टाइप से आप लोगों को करना है, बिल्कुल आराम से करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक। अब जैसे हमने किया है वैसे ही आप लोग भी करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से आप लोगों का हेयर देखने के लिए मिल सकता है, देखिए कैसा था और हमने कैसा इसे बना दिया है। और फिर से एक इम्पिटी लेयर लेंगे, और इम्पिटी लेयर लेके और कलर का, और कलर जो है उसे हम वाइट कर लेंगे, ठीक है। ये कलर बता देने, एक इम्पिटी लेयर लेंगे और पहले वाला जो लेयर उसके हम नीचे रखेंगे इसे इम्पिटी लेयर को, और वाइट कलर लेंगे और उसी तरह जैसे हमने ब्लैक वाला चलाया था, हालांकि ब्लैक वाला हमने पूरे हेयर पर एकदम मतलब घने तरीके से चलाया, और ये जो वाइट वाला है इसको हम हल्का से चलाएंगे, थोड़ा बहुत ज़्यादा गैप करके रखेंगे, ठीक है। जहाँ चाहिए उसी हिसाब से आप अपने हेयर के अनुसार करिएगा। अब दिन इतना करने के बाद आप लोगों को लेयर पे चलना है, और ये जो ऊपर वाला लेयर इस, अच्छा पहले तो हम कम कर दे रहे हैं इसे, ठीक है। ये जो ऊपर वाला लेयर है इसका हम डुप्लीकेट लेयर तैयार करेंगे, ठीक है। डुप्लीकेट लेयर तैयार करने के बाद इसको हम मर्ज कर ले रहे हैं, अब फिर से हम इसे डुप्लीकेट करेंगे और फिर से मर्ज करेंगे। ऐसा करीब 4 से 5 बार आप लोग करिएगा, ताकि जो हमारे हेयर में फीकापन था, जो ब्लैक नहीं था, ठीक, वो वापस आ जाएगा और फोटो यानी हेयर देखने में अच्छा लगेगा। और इसे हम मर्ज कर ले रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कुछ इस टाइप का था और कुछ इस टाइप में हमने इसे किया है, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। यदि ये आप लोगों को अच्छा लगा, ये ट्रिक अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें, ताकि हम अपना अगला वीडियो जल्द बना पाएँ, ठीक है गाइस। अब दिन इतना करने के बाद आप लोगों को इस फोटो को शेयर करना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर, तो चलिए हम लाइटरूम एप्लीकेशन में आ गए हैं। तो ये रहा हमारा मॉडल का फोटो, हम इसे ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद हम सबसे पहले चलेंगे लाइट वाले पे,
ठीक है, लाइट का ऑप्शन दिया है, एक्सपोजर को हम थोड़ा सा डिस्क्रीज करेंगे यानी कम करेंगे, और हाईलाइट को भी कम करेंगे, और शेडो को हल्का सा कम करेंगे या छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और वाइट को भी हल्का सा कम करेंगे। अब इतना करने के बाद अब उसके बगल में लाइट के बगल में कलर का ऑप्शन है, और कलर पर क्लिक करने के बाद मिक्स पे चलेंगे, और मिक्स पे जाने के बाद ये जो ऑरेंज रंग है, ठीक है, ऑरेंज कलर, इस पर क्लिक करेंगे, इसके लुमिनस को हल्का सा यानी बहुत ज़्यादा हम बढ़ाएंगे, हल्का सा नहीं बहुत ज़्यादा, और सेचुरेशन को हम माइनस की तरफ लाएंगे, कुछ इस टाइप से देख सकते हैं कितना ज़्यादा, कितना काफ़ी अधिकतर, ठीक है, कितना ऑसम लुक दे रहा है, देख सकते हैं कैसा था फोटो और कैसा हमने बना दिया है सीबी लुक, ठीक है गाइस। और रेड को हल्का सा हम माइनस की तरफ ले चलेंगे, और ब्लू को इसका सेट का कलर थोड़ा, और बाकी अदर कलर आप अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग करिएगा, यदि आप अपना सेट का कलर मतलब और भी ज़्यादा आप कलर में लाना चाहते तो अदर कलर आप छेड़छाड़ करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, और इफेक्ट पे आइए, इसकी स्ट्रक्चर क्लियरिटी को आप लोग बढ़ा सकते हैं, देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्लियर हमारा फोटो लग रहा है कुछ इस टाइप से, ठीक है। यदि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक कमेंट ज़रूर करें, एक कमेंट हमें कुछ नहीं चाहिए, आप लाइक भी मत करिए पर एक कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमारा अगला वीडियो जल्द आए।